अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ड्रॉप डाउन नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ एट्रीब्यूट पहले से ही लिख रखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दे के लिंक से CSS को कनेक्ट कर दिया और CSS का नाम रख दिया क्योंकि हमारा लेक्चर 11 है, तो लेक्चर ऑफ CSS 11 स्टाइल ऑफ CSS 11 के नाम से सेव कर रखे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। आपको जैसे कि पता है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि UL और LI अनऑर्डर लिस्ट में ही हम अपने वर्क करते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने UL लिख ली, LI लिख ली, LI के अंदर होम लिख लिया, ठीक है जी। अब होम एक हो गया। होम के बाद आ जाते हैं अबाउट। अबाउट के बाद यहाँ पे आ जाते हैं न्यूज़ और कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि जब हम न्यूज़ पे कोई हॉवर वगैरह कोई काम करें तो हमारे पास एक मेन्यू खुल जाए। तो उस मेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम LI के अंदर आ जाएंगे और एक और UL देंगे और उस UL के अंदर एक और LI देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिंक वन, कॉपी करके एक बार फिर लिंक टू, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया लिंक वन लिंक टू, एक दे देते हैं लिंक थ्री, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब लिंक टू पे होवर हो तो क्या काम हो, उसके अंदर एक और UL ले लेते हैं और इसके अंदर LI लिख देते हैं, तीन दे देते हैं। सब मेन्यू वन है, ठीक है, सब टू है, टू और सब, ठीक है। सेव चेक करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन्हें जनरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ करते हैं कि इनके जो बुलेट्स हैं, डॉट्स हैं, इन्हें ख़त्म करते हैं। तो एक मैं ले लेता हूँ ये है, तो इस सारे को मैं एक कंटेनर में बंद कर देता हूँ। कंटेनर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं डिव लेके डिव के अंदर आईडी देते हैं, होप के स्पेलिंग ठीक होंगे, जहाँ पे मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। CONTAINER, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं लिखता हूँ हैश कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो UL है उसकी जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल जो है वो नाउ, ठीक है। सेफ चेक, गए सभी के बुलेट्स गए। अच्छा जी, अब हमारी एक्चुअल गेम जो है वो स्टार्ट होगी। तो मैं चाहता हूँ जो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का जो, हाँ सॉरी, कंटेनर के अंदर जो UL है, UL के अंदर जो LI है उस पर फलां काम हो, तो वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो टील हो या सी ग्रीन हो, ठीक है, ये सी ग्रीन आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अब मैं लिखता हूँ विड्थ जो है 150 पिक्सल हो, हाइट जो है वो 50 पिक्सल हो, बॉर्डर भी रख देते हैं। आप देख सकते हैं विड्थ और हाइट मैंने सेट की, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 50 पिक्सल है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 50, ओके। अब यहाँ पे आ जाते, मैं कहता हूँ बॉर्डर जो है वो कर दे 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड किधर है, सॉलिड येलो, ओके चेक, ये येलो हो गई। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो लाइन हाइट है, अब आप देखें लाइन हाइट क्या काम करती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन हाइट, लाइन की जो हाइट है वो कर दे 50 पिक्सल, चेक करते हैं। ये देखें हर कंटेनर कह दें, हर कंटेनर की हाइट 50 पिक्सल होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके सेव चेक, दैट्स इट। फॉन्ट का थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल बस। अच्छा जी, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कलर जो है टेक्स्ट का वो हो वाइट, फुल वाइट, ये देख सकते हैं जी। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं उन्हें चाहता हूँ कि जो हमारे ये कंटेंट हैं ये एक ही लाइन में आ जाए। तो एक ही लाइन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं फ्लोट लेफ्ट, चेक करें, ये देखें जी। जैसे कि होम के बाद अबाउट न्यूज़, कंटेंट न्यूज़ के नीचे हमारा सब मेन्यू, लिंक वन लिंक टू, उनमें से हमारा सब मेन्यू है लिंक टू का, इस वजह से जो लिंक सब वन है वो पीछे छुपा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि वो लिंक टू के साथ उसका कनेक्शन है, तो वो भी हम सेट करेंगे। चलें जी आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ये जब हमारे यूएल के अंदर एलआई जो है उस पर होवर हो, होवर मतलब माउस कर्सर ऊपर जाए, तो बैकग्राउंड कलर जो है टील लेंगे, टील था ना, तो थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं कि हमें, सॉरी ये सी ग्रीन है, तो सी ग्रीन का कंट्रास्ट लेंगे, सी ग्रीन का कंट्रास्ट लेते हैं, ये वाला कलर देखते हैं किधर है, ये देख सकते हैं जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने पहले सब मेन्यू को जिनका नाम हमने लिंक 1, 2, 3 रखा था, यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, उसको सेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू में आके स्टेरे का, मतलब आपको मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूँ, स्टेरिंग मतलब है होल कम्युनिटी, जो हमारे होल पेजेस हैं उन सब को मिला के ऑल ऑल कह दें, तमाम की जो मैं चाहता हूँ मार्जिन है वो कर दें 0 पिक्सल और पैडिंग जो है वो भी 0 पिक्सल, सेफ चेक, ये देखें जी सभी एक सीक्वेंस में आ गए। ये सब वन जो है थ्री के पीछे दोबारा वही बात है, इसलिए छुपा हुआ क्योंकि वो लिंक वन का है, दैट्स इट। अब हम दोबारा यहाँ आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सब मेन्यूज़ हैं हम उन पे काम करें, तो हम चाहते हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी यहाँ या पेस्ट, मैं कहता हूँ कंटेनर के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो यूएल है उसकी डिस्प्ले जो है वो, डिस्प्ले जो है वो ना हो, मतलब डिस्प्ले नन, देखें गई सब चीज़, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये एक बार मैंने कॉपी कर रखा था ना। अब मैं चाहता हूँ कि कंटेनर के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है उस पर फलां काम हो, तो वो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, वो ब्लॉक कहते हैं जो हमारा ये होता है, ठीक है, बट वर्क नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ डिस्प्ले तो कहा है, क्यों, किस लिए करे ये हम उसे बताएंगे। जब मैं उस पर करूँ होवर और उसके सब चाइल्ड भी हमें दिखाई दें जो कि यू एल है एक और, ठीक है, ये देखें आ गए। अच्छा जी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक्चुअली मैंने कहा कि हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो यू एल है, ठीक है, यू एल के अंदर जो एल आई है उस पर जब हम होवर करें, होवर मैंने लगाया था यू एल के अंदर जो एल आई है उस पर मैंने होवर लगाया था, जो ही होवर हो उसके जो चाइल्ड हैं, ग्रेटर देन साइन का मतलब है चाइल्ड, ठीक है, तो उस पर जब होवर हो और उसके अंदर जो हमारा यू एल है, ये देख सकते हैं, उस पर होवर हो, यू एल हो, यू एल के जो सब चाइल्ड हैं सब के सब हमें शो हो, बट शर्त ये है कि हम जब उस पर होवर करें,
ये देखे मैंने इस पे होवर किया, ये आ गए। अब लिंक टू था ना हमारे पास, मैं लिंक टू पे आया तो ये आ गए, ठीक है जी, ये आ गए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा था कि वो हमारे जो लिंक सब वन है वो लिंक थ्री के पीछे छुपा हुआ है, तो उसे हम बाहर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये पेस्ट कर दिया। यूएल के अंदर जो यूएल है और उस यूएल के अंदर जो यूएल है उस पर फलां काम करे, फलां काम क्या उसकी एक्चुअली देखें, तीन यूएल है ना, एक ये पड़ी है, ये यूएल, यूएल के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एक और यूएल, तीन यूएल, ठीक है। यूएल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट की मार्जिन करते हैं 150, चेक करते हैं वो बाहर की तरफ उसे धकेलेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा और कर देते हैं और यहाँ पे आ गए, सेव कर लिया, चेक रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे आए। जैसे लिंक टू पे दिया, देखें सब जो है वो वन हो गया, ठीक है। और चाहे तो मैं इसका टॉप जो है वो ज़ीरो भी कर सकता हूँ, ज़ीरो पिक्सल लिखें या ज़ीरो लिखें की बात है, ये देखें, लेकिन उसकी ज़रूरत आई थिंक नहीं है, कट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होते हैं, यहाँ तो हमने एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगाई है, देखें ये उन पर बहुत मुश्किल से जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन की अलाइनमेंट दे देता हूँ, कहते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट कर दे, देखें यहाँ पे आए और ये देखें ये एब्सोल्यूट है, एक ही लाइन में है, बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे टॉप को मैं कर देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे आ जाते हैं, चेक करते हैं पोजीशन रिलेटिव क्या काम करता है यहाँ पे, यहाँ पे और ये देखें, आप पोजीशन एब्सोल्यूट सही वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये हो गई सब मेन्यू। अच्छा जी, अब हम इसके बाद करते हैं कि जब मैं लिंक टू पे होवर करूं तो ये काम हो, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही इजी है, कंटेनर कंटेनर के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एल आई है उसको क्या करें, सब काम वही है, या फिर यूं कर लें यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव मैंने लिख दिया पहले से, ये काम हमने कर लिया। अच्छा जी, तो होप के ये हमारी स्लाइड तैयार है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब देखें मैं जैसे ही न्यूज़ पे होवर करता हूँ तो हमारी न्यूज़ आ गई, जैसे लिंक टू पे क्लिक किया तो होवर किया तो हमारी ये सब वन आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, मार्जिन टॉप जो है वो ऑटो करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें, ये देखें हम इस पे होवर करते हैं तो ये आ जाता है। अच्छा जी, ये लिंक थ्री को हम ज़रा सा साइड पे करके दिखाते हैं आपको, लिंक टू की देखें ये आ गई सब मेन्यू, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम अपने मेन्यू बार बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा ओपेसिटी होती है कि किस तरह से हम अपने लिंक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, और जैसे हम इन पे होवर करें तो थोड़ा सा उसकी जो कलर चेंजिंग है वो डिले हो जाए, ठीक है, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। तो शायद ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।